तो हम लोग हार्ट शुरू करेंगे, और हार्ट में हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। जैसे एक तो हम देखेंगे हार्ट की वर्किंग, हार्ट की वर्किंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ब्लड फ्लो की जो डायरेक्शन होती है किस तरह से होती है, कहाँ से कहाँ ब्लड फ्लो होता है। और दूसरा कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन करके क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे इसमें। साथ में एक पॉइंट और करेंगे, आर्टरी एंड वेन में डिफरेंस, आर्टरी और वेन में डिफरेंस, ये सारी चीजें हम लोग अभी कवर करेंगे। तो हार्ट की वर्किंग देखते हैं। हार्ट की वर्किंग के लिए सबसे पहले हम लोग हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा हार्ट का डायग्राम। इसमें चार पार्ट होते हैं, दो एट्रियम होता है, दो वेंट्रिकल होता है। जो एट्रियम होता है ऊपर होता है, ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है ऊपर, ये लेफ्ट एट्रियम है। नीचे राइट वेंट्रिकल है, इधर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हम लोग इन दोनों में डिवीजन कैसे देखते हैं, तो बीच में तो हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह एक जो है, यहां पे दो वाल्व होते हैं, राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल में वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई राइट। अब राइट क्या होता है, राइट राइट और ट्राई, तो राइट में आर आई है, ट्राई में आर आई है, उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाल्व होता है उसको राइट ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं। ट्राई माने राइट, राइट साइड में जो वाल्व होता है ट्राई कस्पिड, और लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है उसको बाई कस्पिड वाल्व बोलते हैं। फिर यहां पर हम देख लें बहुत सारे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, कैपिलरीज है, ये आर्टरी और वेन है। आर्टरी का क्या होता है, आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, आर्टरी वो है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। अब आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगा दो जगह, या तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा या तो लंग्स में ले जाएगा। जब पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा तो उसको सिंपली हम लोग आर्टरी बोलते हैं, और यदि लंग्स के पास ले जाएगा तो उसको हम लोग जो है पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, ठीक है। उसी तरह वेन क्या होता है, वेन वो होता है जो वो हार्ट के पास ब्लड लाता है, वेन वो होता है जो हार्ट के पास ब्लड लाता है। अब ये भी दो दो जगह से लाएगा, या तो लंग्स के पास से लाएगा या तो पूरे बॉडी से लाएगा। लंग्स के पास से लाएगा तो उस वेन का नाम अलग हो जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी माने लंग्स, और पूरे बॉडी से लाएगा तो सिंपली वेन उसको बोलेंगे। ये है पूरा स्ट्रक्चर। यहां पे हम देख रहे हैं एओर्टा लिखा हुआ है, एओर्टा का मतलब जब हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है तो पहले एओर्टा में आता है, एओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं। फिर यहां से छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होकर पूरे बॉडी में जाता है। उसी तरह जब पूरे बॉडी से ब्लड आता है तो हार्ट में पूरे बॉडी से ब्लड आता है तो पहले वेना कावा में आता है, और वेना कावा इकट्ठा करके फिर हार्ट को वो ब्लड देता है। आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो वेन होता है इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से लाता है हार्ट के पास, ठीक है। वेना कावा दो होता है, एक सुपीरियर होता है कि इंटीरियर होता है, ये इंटीरियर वेना कावा है। तो पहले हम लोग जो है देखेंगे डायरेक्शन, ब्लड का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन समझने के लिए एक फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, फार्मूला से जल्दी याद हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं आर ए वी और एल ए वी, इसको राव पढ़ेंगे, इसको लाव पढ़ेंगे। अब ये जो आर ए वी है, इसमें आर ए का मतलब हुआ राइट आट्रियम,
और आर वी का मतलब हुआ राइट वेंट्रिकल। इसी तरह एल ए का मतलब क्या होगा? यस हाँ, लेफ्ट आट्रियम। और एल वी का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा बॉडी पार्ट से यहां पे लिख देते हैं, यहाँ बॉडी। पूरे बॉडी से जो ब्लड आएगा, पूरे बॉडी से हार्ट में कौन सा ब्लड आता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाता है? वेन लाता है। तो पूरे बॉडी से हार्ट के पास जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स आता है, वो हार्ट के किस पार्ट में आएगा? राइट आट्रियम में। राइट आट्रियम से वो ब्लड फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और हम शुरू में अभी कुछ देखे थे कि राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसका नाम क्या है? राइट आर आई से क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को पार करके राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये अभी तक इम्प्योर ब्लड है, वेन लाया था, तो इसको प्योर होना चाहिए, तब जो है बॉडी में जाएगा वापस। तो प्योर होने के लिए ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाएगा। अभी तक ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड को लंग्स के पास कौन ले जाएगा? हार्ट से ब्लड को दूर ले जाया जा रहा है, तो हार्ट से ब्लड को बाहर कौन ले जाता? आर्टरी ले जाती है। लेकिन ये आर्टरी लंग्स के पास ले जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स के पास ब्लड जाएगा, लंग्स ब्लड को प्योर करेगा, लंग्स ब्लड को प्योर करेगा और वापस ब्लड को भेजेगा। तो जो प्योर ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब हार्ट के पास जो कैपिलरीज ब्लड लाती है उसको क्या बोलते हैं? वेन। तो ये वेन है, लेकिन ये लंग्स से ब्लड ला रही है, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट आट्रियम में ब्लड को लाया। लेफ्ट आट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन बीच में वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम क्या होगा? पहले वाले वॉल्व का नाम था ट्राइकस्पिड, तो इसका नाम क्या है? बाइकस्पिड। यानी इसमें दो लेयर होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा? वापस जहां से आया था, यानी बॉडी में। तो हार्ट क्या करेगा? इस प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देगा। ठीक है, अब ब्लड पूरे बॉडी में गया, फिर से ब्लड इम्प्योर होगा, डीऑक्सीजनेटेड, फिर से ये बॉडी से वेन द्वारा यहाँ राइट में आएगा, राइट से राइट वेंट्रिकल में आएगा, वहां से लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट आट्रियम में आएगा, लेफ्ट आट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड में जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी में। ये है ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन, कंप्लीट डायरेक्शन। ये इस बार सीबीएसई 2020 वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम लोग समझ गए। उसके बाद तो हमने हार्ट की वर्किंग समझ ली। अब हार्ट की वर्किंग, यहाँ पे हार्ट जो ब्लड फ्लो करता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टाइम में हार्ट दो दो सर्कुलेशन करता है। कैसे करता है इस वाले में समझते हैं। ये हमारा हार्ट है, खुलेगा, पूरे बॉडी से ब्लड आएगा, साथ में लंग्स से ब्लड आएगा। जब ये ओपन होता है, जब ये इस तरह से पंप करेगा, तो इसका सारा ब्लड बाहर जाएगा। बाहर माने दो जगह जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, लंग्स में जाएगा। यानी एक ही बार में दो दो सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है।
लंग्स से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं।